हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिचा एंड वेलकम टू माय रिच रिच किचन एंड लाइफस्टाइल। इन जाड़ों के मौसम में मैं आप लोग के लिए बहुत ही टेस्टी सी ड्रिंक लेके आई हूँ जो बहुत ही हेल्दी भी है और बच्चों और बड़ों सबको पसंद आती है। तो आज हम बनाएंगे हॉट चॉकलेट। हाँ जी, हॉट चॉकलेट हम आज ये घर पे बनाएंगे, बिल्कुल थिक, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ मैंने एक सॉस पैन में 2 कप मिल्क ले लिया है जिसे मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। एक बार ही बस इसे बॉईल करना है, बहुत देर तक इसे कोई बॉईल नहीं करना है। नॉर्मल मिल्क लिया है मैंने, कोई मैंने फुल क्रीम वाला मिल्क नहीं लिया है। इसमें मैं ये कोको पाउडर डाल रही हूँ, अनस्वीटेंड 2 TBSP कोको पाउडर इसमें पड़ेगा। आप नॉर्मल स्पून से भी आप इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। इसको फटाफट से हमें विस्कर से विस्क करना होगा जिससे कि इसमें लम्प्स ना पड़ेंगे। बहुत ही ईजिली इसमें मिक्स हो जाता है। विदिन मिनट्स यहाँ पे हॉट चॉकलेट आपका रेडी हो जाएगा। मैंने ये 2 TBSP कॉर्नफ्लोर एक कटोरी में डाला था, उसमें मैंने 3 TBSP वाटर डाला था, नॉर्मल वाटर, और उसको हम इसमें डाल देंगे। इससे ये इसमें थिकनेस आ जाएगी। इसको हमें अच्छे से डालते हुए मिक्स करना है जिससे इसमें लम्प्स नहीं पड़ने चाहिए। हाई फ्लेम पे हमें इसे बॉईल करना है कॉर्नफ्लोर डालने के बाद, जिससे कि ये थिक हो जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। यहाँ पे मैं डार्क चॉकलेट का यूज़ करूँगी। ये 3 TBSP डार्क चॉकलेट है और ये मैंने कंपाउंड नहीं यूज़ किया है। मैंने डार्क चॉकलेट जो मार्केट में अमूल की मिलती है उसका यूज़ किया है क्योंकि ये टेस्टी ज़्यादा होती है। नहीं तो इसमें आप कंपाउंड का भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाली चॉकलेट का मैंने यूज़ किया है यहाँ पर, ये बहुत टेस्टी होती है, बच्चों को ज़्यादा पसंद आती है। ये काफ़ी थिक हो चुका है, लगभग ये रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसमें शुगर डालूँगी, 3 TBSP शुगर है ये। और मैंने इसको चॉकलेट वगैरह डालने के बाद टेस्ट किया था, इसमें कोई ज़्यादा मिठास नहीं थी इसलिए मैंने शुगर का यूज़ किया है। आप शुगर का यूज़ बेझिझक कर सकते हो। और ये कोई बहुत ज़्यादा मीठी ड्रिंक नहीं है, बिल्कुल ही मतलब डार्क चॉकलेट के संग बहुत ही अच्छे से इसका टेस्ट आया है। बहुत ज़्यादा मीठी नहीं है ये, आप इसको आराम से इंटेक कर सकते हो। यहाँ पे एक अच्छा सा मग ले लीजिए और उसमें आप सर्व करिए इसको हॉट हॉट। और आप इसको घर पे गेस्ट आए तो आप उनके लिए भी विदिन मिनट्स इसको बना के रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऊपर से डार्क चॉकलेट स्प्रिंकल कर दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और मेरा चैनल आप लोग को पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। मुझे अपने सजेशंस दीजिए, नई रेसिपीज़ की डिमांड कीजिए, इस ड्रिंक का मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।